Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, thanks for watching my video. आज आपका HVGST कमीशन नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ है जिसमें हम मैथमेटिक्स पोर्शन एनालाइज करेंगे, कितना टफ था, कितना इजी था और जो भी इनके आंसर होने चाहिए वो हम आपको बताएंगे। जो भी आपने आंसर टिक किए हैं आपको पता लग जाएगा आपके आंसर ठीक हैं या गलत हैं। साथ में आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो का फुल मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका फुल सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो क्वेश्चन नंबर आपका 62 था, 2:3 एंड -7 इज टू आवर एंड -1 इज डिविजिबल बाय, तो इसका आंसर होगा आपका 49। इनके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका आंसर आपके पास होगा 19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल डिजिट टू डिजिट ऑड नंबर्स इज, ऑप्शन नंबर बी 2475। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ थ्री लाइन्स 3x-y इज इक्वल टू 2, 5x+ay इज इक्वल टू 3 एंड 2x+y इज इक्वल टू 3 आर कंकरेंट देन a इज इक्वल टू, तो a का इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए -2। नेक्स्ट आपके पास आएगा, The three lines represented by this form which triangle? Absolutely ये कोई भी triangle नहीं बनाएगी, तो इसका आंसर होगा none of these। Next है number of common tangent to the circle, तो इसका आंसर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है। Next है if x+y is equal to k is normal to y square is equal to 12x then k is ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, k की वैल्यू आपके पास आएगी 9। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ एलिप्स इज, जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पिछले ईयर्स के, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है 2016, 2018 एंड 2019, तो वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको करवाए गए हैं, तो उनके लिए तो पेपर इजी होगा अगर उन्होंने वीडियो चेक की होगी। सो इसका आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी 2,1। नेक्स्ट है 70, the centricity of rectangular hyperbola is √2. Clear? If the mod of a data is 18 and the mean is 24, then median is 22. तो अगर आपको फुल डिटेल में इनके आंसर सॉल्यूशंस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। साथ में जो भी आपने टिक की है उनको भी आप बता सकते हैं। The minimum value of 3 tan square theta plus 12 cot square theta is 12. Next is, if the length of the side of triangle are 3, 5, 7, then the largest angle of the triangle is 2π/3, option number D. Next is, from a tower 128 meter high, the angle of depression of a car is 26 degree, the distance of the car from the tower is, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम भी जानना चाहते हैं आपने क्या आंसर टिक किया है 74 का, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसको डिटेल में करवा दूंगी। नेक्स्ट है 75, इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/5 देन cos इनवर्स x इज 3π/10, क्लियर। नेक्स्ट इज, इफ a इज दिस देन a पावर 3 इज 125। देखो ये क्वेश्चन देखने में आपको हो सकता है कि आपने सोचा होगा जल्दी से मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं, इसका मॉड का क्यूब है, और इसको और इजी करने के लिए आप क्या करते, जो आपका 125 है उसका आप क्यूब रूट निकाल लेते, तो आपको सिंपली आ जाता मॉड ऑफ, जो आपका मॉड ऑफ ए आता आपका वो आपका सिंपली आ जाता 5 के बराबर। तो आपने सिंपल से इसका डिटरमिनेंट निकालना था और 5 इज इक्वल टू कर देना था, ऑप्शन आएगा इसका ए ±3। नेक्स्ट इज, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई देन ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इज 4, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट 79 है, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स, क्यों होते हैं, जिसको पता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है आपका 80 क्वेश्चन, इसमें आपको लिमिट निकालनी है, इसका ऑप्शन होगा ए यानी कि 1 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट इज, डिफ्रेंशिएबल भी होते हैं लेकिन ऑब्वियस जरूरी नहीं होता कि वो हो, नॉट भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 82, सो इसका आंसर आएगा आपका 2, ठीक है, मिनिमम वैल्यू जो होगी x+y की वो होगी 2। नेक्स्ट इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट आपका है मॉड ऑफ एक्स इसका आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना था -1 से 1 के बीच में, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1. The area enclosed between these curves is 1/3. Next is the solution represents a straight line. Option number A is correct. The distance between two parallel lines is D 7/2. ठीक है. Next है 88, तो इसका आंसर आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर C, that is 2 into B vector into A vector. 89, in a single throw of 2 dice, the chance of throwing a sum is 8 is 5/36. Option number A. Next is for specifying a straight line, how many geometrical parameters should be known? That is 2. X-axis is the intersection of which two planes, xy and xz? Option number C is correct. Next is लिमिट निकालनी थी आपने, इसका ऑप्शन नंबर C आएगा, that is n. ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर A आएगा, that is 10x/2 + c. क्लियर. एंड जो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस थे, आपका जो 56 क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे हमारे जब हमने सॉल्व किया है तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 225. सो आपने कौन सा टिक किया है आप बता सकते हैं. लेट आर बी ए रिलेशन ऑन अ सेट ए सच दैट दिस इज इक्वल टू, देखो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन की बात की जाए तो ये ट्रांजिटिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है. फिलहाल आपके पास सिंपल दिया हो तो हो सकता है इसका आंसर सिमेट्रिक हो. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये है बिकॉज अगर हम कोई भी पेयर लें ए बी बी सी ले लें तो हम इनको ट्रांजिटिव भी प्रूव कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर सकते हैं. और साथ में अगर यहाँ पे ऑप्शन एक ये होता कि यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, तब आपका ऑप्शन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन. तो यहाँ पे सिमेट्रिक और नन ऑफ दीज के ज़्यादा चांसेस हैं. आपने क्या टिक किया है आप बता सकते हैं. नेक्स्ट है आपका द पीरियड ऑफ फंक्शन y = mod of sin x + cos x. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5/2. 59 जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6. ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 6 होगी. नेक्स्ट है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इज 2. बाकी आप बता सकते हैं आपने क्या टिक किया है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल्स इज 56. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा. तो होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे. अगर कुछ आपको लगता है कि गलत बताया गया है तो आप कमेंट करके आप बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपने क्या टिक किया है. बाकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. गुड लक फॉर योर रिजल्ट. थैंक यू.